इस वीडियो में हम आपको दिखा रहे हैं साड़ी से सूट बनाना। इसके लिए हमने ये वाला डिजाइन लिया है। यहाँ जो हम पल्ला है उसका ऊपर की चोली बनाएंगे और बाकी साड़ी का नीचे का घेर बनेगा। हमारे पास ये मेजरमेंट है और ये कपड़ा है। ये साड़ी है, यहाँ हम ग्रीन कलर का ऊपर चोली बनाएंगे। सबसे पहले हम अस्तर पर कटिंग करेंगे। इसके लिए हमने ये 3 मीटर कपड़ा लिया है अस्तर का और सबसे पहले हम ऊपर की चोली की कटिंग करेंगे। कपड़े को हमने डबल फोल्ड कर लिया है चोली की कटिंग करने के लिए और हम सबसे पहले चोली की लंबाई लेंगे, जो हमने ली है 17। हमें 16 इंच तैयार रखना है। यहाँ हम 17 पे निशान लगा के कपड़ा कट कर लेंगे। ये बाकी का जो बचा हुआ कपड़ा है ये अस्तर में घेर डालेगा। ये कपड़ा हमने डबल फोल्ड कर लिया है। अब ये ऊपर का हम कपड़ा लेवल में करेंगे। सबसे पहले एक्स्ट्रा कपड़े को हम कट कर देंगे। अब हमारे पास ये चोली की लंबाई है 16, हम यहाँ पर लेंगे 17। हमारी टोटल लंबाई है सूट की 56 इंच, उसमें से हमने 16 कम किए, बचा हुआ हमारा 41 इंच। ये कपड़ा हमने पूरा अस्तर का लेवल में ले लिया है। अब हम यहाँ से शोल्डर का नाप लेंगे। शोल्डर है 16, पीछे का गला 7 है इसलिए हम शोल्डर भी 7 रख देंगे। 1 इंच कम कर देंगे। अब हम यहाँ से 2.5 इंच गले का निशान लगाएंगे। और यहाँ से गले की गोलाई दे देंगे। आगे और पीछे का गला दोनों 7 इंच रखा है। गोलाई का निशान लगा देंगे गले की। यहाँ से हम आर्मोल का निशान लगाएंगे। आर्मोल यहाँ से हम ले रहे हैं 7 इंच। इंच पे निशान लगा दिया। एक निशान हम इसके अंदर लगाएंगे 1/2 इंच का, वो आगे के शोल्डर का निशान है। अब यहां से हम चेस्ट लाइन ले लेंगे जहां से ये निशान खत्म हो रहा है। चेस्ट है 43, 43 का हमने 1/4 करके और निशान लगाया है। और हम यहाँ से अब आर्मल की गोलाई दे देंगे। ये पीछे के आर्मल की गोलाई है और ये आगे के 1/2 इंच छोड़ के अंदर की आगे के आर्मल की गोलाई है।
अब हम कमर का निशान लगाएंगे। कमर है 38 इंच, हम 38 का 1/4 लेंगे 9.5, प्लस उसमें हमने 1 इंच किया है 10.5, जो हम सल का निशान लगाएंगे। अब हम पूरा चेस्ट से लेके कमर तक का निशान सीधा कर दिया है, इसे सीधी लाइन खींच दिए। 3.5 इंच पर हम डॉट का निशान ले रहे हैं 5 इंच तक, यहाँ पर 1-1 इंच के डॉट आएंगे आगे और पीछे। जो हम फिटिंग के लिए दे रहे हैं ये, अब हम यहाँ पर मार्जिन लेंगे। मार्जिन हमने यहाँ पर लिया है 1.5 इंच, ये हमने 1.5 इंच की मार्जिन का निशान लगा दिया है। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। यहाँ पर हम कट का निशान लगा देंगे और अब आगे के आर्मोल की कटिंग कर लेंगे। गले की भी कटिंग कर लेंगे गोलाई से। एक कट का निशान हम यहाँ पे जो डॉट लेंगे वहां पर लगा देंगे और एक कट का निशान हम यहाँ पर कमर की सिलाई का लगा देंगे। इस तरह से हमारे आगे और पीछे दोनों साइड की चोली कट हो गई है। अब हम अस्तर पर कटिंग करेंगे। ये हम अस्तर लिया है, इससे हम घेर की कटिंग करेंगे जो हमें अस्तर अंदर लगाना है। ये भी हमने डबल कपड़ा कर लिया है, जितना भी कपड़ा बचा है वो हम पूरा ले लेंगे 3 मीटर में से। यहाँ पर हम निशान लगा रहे हैं कमर का। कमर है 38, प्लस हमने इसमें 1.5 इंच मार्जिन कर लिया है। अब हम यहाँ से 7 इंच नीचे सीट का निशान लगाएंगे। सीट है 44, प्लस उसमें हमने 44 का 1/4 लिया और उसमें भी 1.5 इंच प्लस कर दिया मार्जिन का। अब हम यहाँ से 1/2 इंच का स्लोप देंगे ऊपर से कमर वाले भाग से, और ये जितने और हम इन निशानों को मिलाते हुए जितना भी हमारा नीचे का कपड़ा है उसे हम निशान लगा देंगे घेर के लिए। इस तरह से ये ए लाइन की कटिंग हो जाएगी। बीच में भी हमने एक कट लगाया है और अब इसकी कटिंग कर लेंगे। ये घेर बनकर तैयार है अस्तर पे। यदि हमें घेर ज्यादा चाहिए अस्तर में तो हम इसमें और बड़े पैने का भी कपड़ा ले सकते हैं। ये आगे पीछे दोनों साइड के बनकर घेर तैयार है। ये कपड़ा जॉइंट था, हमने इसे अलग अलग कर दिया है। अब हम साड़ी के ऊपर इसकी मेन क्लॉथ की कटिंग करेंगे। साड़ी का जो पल्ला है उसे हम चोली बना रहे हैं ऊपर की। अब हमने जो अस्तर कटिंग किया है वो हम इस पे इस कपड़े को डबल कर देंगे पल्ले को, और फिर कटिंग कर लेंगे। अब ये पल्ला है, इसका हम ऊपर की चोली कट कर रहे हैं। नीचे की बॉर्डर हम कमर कह लेंगे, इसे हमने डबल किया
ताकि दो भाग एक साथ कट जाएंगे आगे और पीछे के। अब अस्तर को इसके ऊपर रख के और कटिंग कर देंगे। बॉर्डर वाला भाग हम कमर की साइड रखेंगे। आगे और पीछे दोनों भाग कट हो गए हैं। अब हम साड़ी का घेर कट करेंगे। इसमें से अब हम सबसे पहले आस्तीन का कपड़ा निकालेंगे। यहाँ हम 10-11 इंच ही आस्तीन ले रहे हैं कोनी तक। हम आस्तीन में जितना कपड़ा चाहिए 22 इंच कपड़ा अभी हम कट कर रहे हैं। बाकी बची साड़ी हमने अलग हटा दी है। अब हमने ये जो कपड़ा लिया है इस पर हम आस्तीन के निशान लगाएंगे। आस्तीन की लंबाई है 11, हम यहाँ पर निशान लगाएंगे 11.5। यहाँ से हम 4 इंच पर एक निशान और लगाएंगे। अब यहाँ से हम लेंगे आर्मोल है 16, तो हम यहाँ पर 8 इंच पर एक निशान लगाएंगे और बाकी हम मार्जिन के लिए छोड़ देंगे 1.5 इंच कपड़ा। ये 1.5 इंच पर एक निशान और लगाया। अब जो ऊपर हमने 11.5 से यहाँ तक की हम गोलाई दे देंगे। ये आर्मोल की गोलाई हो जाएगी, एक अंदर की गोलाई और एक बाहर की गोलाई। अब हम बॉटम का निशान लगाएंगे। बॉटम है 13 का हमने हाफ किया, 6.5 पे निशान लगाया प्लस 1.5 इंच मार्जिन का। अब हम इन दोनों निशानों को मिला देंगे। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। इसकी अगले वीडियो में हम आपको इसकी स्टिचिंग भी बताएंगे। अब जो निशान हमने लगाए हैं वहाँ पर हम कट का निशान लगा देंगे। ये आस्तीन कट कर तैयार है। अब हम साड़ी में जितना भी कपड़ा बचा है, हमें जितना घेर चाहिए उतना हम ले लेंगे। यहाँ पर हम पूरी साड़ी का यूज़ कर रहे हैं घेर के लिए, ताकि घेर अच्छा ज़्यादा हो। जो साड़ी का फाल वाला भाग है वो हम नीचे ले रहे हैं। इसकी हमने 4 घड़ी कर ली है। इस तरह से अब हम इसकी लंबाई ले लेंगे। लंबाई यहां से हमें लेना है 41 इंच। और हम इसकी पूरे की अब 41 इंच पर कटिंग कर देंगे निशान लगाकर। ये घेर कट के तैयार है। ये प्लीट्स वाला घेर बनेगा, इसलिए हम इस कपड़े को सीधा ही रखेंगे। अब इसके अगले वीडियो में हम आपको इसकी स्टिचिंग बता रहे हैं।
कम से कम 3-3.5 मीटर का घेर तैयार है। इसके भी हम जो एक्स्ट्रा कटिंग है कपड़े को हम सीधा कर लेंगे साइड से।